हेलो स्टूडेंट्स, मैं संजय कुमार झा एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं एक नए वीडियो के साथ, जो क्लास 12 के टॉपिक का एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक माना जाता है। और ये इकोलॉजी जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसी का अगला जो टॉपिक है वही मैं बताने जा रहा हूं, दैट इज़ बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। देखो, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन जो है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट बनता है। ये हमारे स्पेसीज रिचनेस को, जो हमारे चारों तरफ पाए जाते हैं, उसके बारे में जानने के लिए। साथ ही साथ आपको पता है कि अभी फिलहाल क्या है कि सराउंडिंग्स में, हमारे इन्वायरमेंट में बहुत सारे ऐसे स्पेसीज हैं वो धीरे धीरे एक्सटिंक्ट कर रहे हैं, चाहे वो प्लांट स्पेसीज हों या फिर एनिमल स्पेसीज हों। तो उस स्पेसीज को कंजर्व करने का भी बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है, बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम उसको कंजर्व करें, क्योंकि ये हमारे लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होते हैं और इकोलॉजिकल सिस्टम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट माने जाते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं बायोडाइवर्सिटी क्या होता है। देखो, बायोडाइवर्सिटी कहने का मतलब क्या है। जनरली हम लोग कहते हैं कि वराइटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट अकर इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बायोस्फीयर, है ना। एक बायोस्फीयर के अंदर में जो अलग अलग टाइप के जो स्पेसीज पाए जाते हैं, डिफरेंट टाइप के जो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, उन्हीं सारे ऑर्गेनिज्म का एक्युमुलेशन को हम लोग बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। ये चाहे प्लांट के केस में भी हो सकता है और एनिमल के केस में भी हो सकता है। तो मैंने क्या बताया, वराइटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट अकर एट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बायोस्फीयर, स्पेशली एट पर्टिकुलर एरिया। वराइटी of living organism at different parts of biosphere, है ना। बायोस्फेयर के अलग अलग पार्ट में जो डिफरेंट टाइप के वराइटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, उन्हीं को हम लोग बोलते हैं क्या, बायोडाइवर्सिटी। देखो, जनरली अभी के केस में अगर हम लोग देखें तो कहा जाता है कि मोर देन 1.5 मिलियन स्पेसीज ऑफ एनिमल और प्लांट अवेलेबल है, है ना। कितना है, 1.5 मिलियन स्पेसीज ऑफ बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, है ना। एनिमल्स और प्लांट के कुल मिलाकर के 1.5 मिलियन स्पेसीज के बारे में हम लोग को पता है। देखिए, एस्टिमेशन तो होता है, एस्टिमेशन जो है वो मोर देन 17 मिलियन है, 17 मिलियन से ज़्यादा, ठीक ना। लेकिन इतने स्पेसीज के बारे में हमको पता है। आपको ये भी बात पता होना चाहिए कि लगभग 15,000 स्पेसीज हर साल डिस्कवर्ड हो रहे हैं, है ना। देखो, एक्चुअली मैं इस चैप्टर में कुछ इम्पॉर्टेंट डेटा है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट बनता है आपके लिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। तो मैंने क्या बताया, 15,000 स्पेसीज डिस्कवर्ड पर ईयर, है ना। पर ईयर इतने स्पेसीज डिस्कवर्ड हो जाते हैं, है ना। तो धीरे धीरे स्पेसीज का जो अमाउंट है ना, जो है तो पहले से मौजूद, लेकिन उनके बारे में जो जानकारी है वो धीरे धीरे मेरी जो है हम लोगों की बढ़ रही है, है ना। और जितना भी एस्टिमेशन है, मतलब टोटल एस्टिमेशन, एस्टिमेटेड जो डेटा मेरे पास है, उसमें से लगभग 70% जो है वो क्या, एनिमल है, और 20% जो है वो प्लांट है। एस्टिमेटेड जो डेटा है, उस एस्टिमेटेड डेटा में 70% जो है वो क्या है, एनिमल्स, और 20-22% जो है वो क्या है, प्लांट्स, ठीक। एक और इम्पोर्टेंट बात, इस एनिमल में भी जो 70% हमारा जो एनिमल है, 70% एनिमल जो है, इसमें अगर हम लोग इसको अराउंड 100% मानते हैं, तो इसमें 70% जो आपका है वो इंसेक्ट्स, मतलब अगर मान लो पूरे पूरे
अर्थ में अगर मान लो 100 एनिमल्स प्रेजेंट हैं तो उसमें से 70 एनिमल्स जो है वो इंसेक्ट हैं। आपको ऐसे भी पता होगा, आपने पढ़ा होगा क्लास 11 में कि ये जो आर्थ्रोपोडा फाइलम है, आर्थ्रोपोडा जो होता है उसमें क्या है, ये सबसे लार्जेस्ट फाइलम बोला जाता है। ऐसा क्यों बोला जाता है? क्योंकि स्पेसी बहुत ज़्यादा है, इसमें बहुत ज़्यादा टाइप के एनिमल्स हैं इसके अंदर। ओके, तो ये चीज़ है। ओके, अब अगर हम लोग बात करते हैं इंडिया के बारे में, तो ऐसा माना जाता है कि लगभग 2.4% जो लैंड है ना, मतलब वर्ल्ड का जो लैंड है, वर्ल्ड लैंड का 2.4% जो है वो कहाँ है, इंडिया में है ना। मतलब इंडिया जो है वो 2.4% ऑफ द लैंड इंडिया जो है वो वर्ल्ड का कैरी करता है, जबकि ग्लोबल डाइवर्सिटी जो है वो कितना है, 8.1%। कितना है? 8.1% क्या है, ग्लोबल डाइवर्सिटी। ओके, अगर हम देखते हैं तो पूरे वर्ल्ड में बताया गया है मेगा डाइवर्सिटी सेंटर, और लगभग 12 मेगा डाइवर्सिटी सेंटर के बारे में बात की गई है, और उस 12 मेगा डाइवर्सिटी सेंटर में इंडिया भी एक पोजीशन रखता है, मतलब इंडिया उस 12 मेगा डाइवर्सिटी का एक पार्ट माना जाता है। ओके, जनरल केस में अगर हम लोग देखते हैं तो लगभग 45,000 स्पेसीज प्लांट का, और इससे डबल लगभग एनिमल का स्पेसीज यहाँ अवेलेबल है। इंडिया की बात हो रही है, 45,000 स्पेसीज किसका है, प्लांट का, और अबाउट 90,000 स्पेसीज जो है वो है एनिमल्स का। इंडिया में ये एस्टिमेटेड है, मतलब इंडिया का लगभग ये डेटा मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, तो ये हमारा है एक ओवरऑल डिस्क्रिप्शन पूरे वर्ल्ड का और इंडिया का, स्पेशली डाइवर्सिटी के सेंस में। ओके, अब हम लोग बात करने जा रहे हैं कि बायोडाइवर्सिटी जो होता है उसको कैटेगराइज किया गया है, उसका डिफरेंट कैटेगरीज बताया गया है, जैसे जेनेटिकल बायोडाइवर्सिटी होता है, इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी होता है, आपका स्पेसीज बायोडाइवर्सिटी होता है, उसके हिसाब से इसको बताया गया है। ठीक ना, तो हम लोग अब वही टॉपिक देखने जा रहे हैं। तो हम लोग देखते हैं बायोडाइवर्सिटी को हम लोग कैटेगराइज कर सकते हैं तीन बेसिक कैटेगरी में, मैं इसको बांट रहा हूं। सबसे पहला मैंने क्या बताया, जेनेटिकल बायोडाइवर्सिटी। ठीक ना, देखो जेनेटिकल बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है, ऑन द बेसिस ऑफ जेनेटिक कंपोनेंट्स, ये जीन्स है ना, क्या कहेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ जीन्स या जेनेटिक मटेरियल, और जेनेटिक मटेरियल है ना, जेनेटिक मैटर के हिसाब से हम इसको बोल रहे हैं। जैसे क्या, जैसे अगर मान लो हम लोग बात करते हैं वायरसेस के बारे में, हम लोग बात करते हैं कुछ बैक्टीरियाज के बारे में, तो ये सब क्या, ऑन द बेसिस ऑफ जेनेटिक भी हम इसको बांटते हैं, स्पेशली वायरस। एग्जांपल इसका क्या हो जाएगा, वायरस है ना। एक बड़ा अच्छा एग्जांपल दिया हुआ है आपके एनसीईआरटी में, दैट इज रॉबेलफिया वोमिटोरिया। रॉबेलफिया वोमिटोरिया है ना, ये एक प्लांट है जो मेडिसिनल प्लांट माना जाता है। ये मेडिसिनल प्लांट जो आप देख रहे हो, ये अगर हिमालयन जोन में आप देखिएगा तो वहाँ इसके अंदर जो केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स होता है उसका कंसंट्रेशन लेवल कुछ और होता है, जबकि प्लेनर एरिया में जब पाया जाता है उसका केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स कुछ और होता है, उसका लेवल ऑफ जो उसका कंसंट्रेशन लेवल होता है कुछ और होता है। तो ये क्या है, एक टाइप का जेनेटिकल डाइवर्सिटी है, दोनों एक ही प्लांट है लेकिन अंतर क्या है, उसके केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स का थोड़ा बहुत अंतर है। ओके, तो ये चीज होता है, तो ये है जेनेटिकल डाइवर्सिटी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, दैट इज इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। देखो इकोसिस्टम के लेवल पे डाइवर्सिटी है,
मतलब लोकल लेवल पे डाइवर्सिटी हो जाता है, कम्युनिटी लेवल पे डाइवर्सिटी होता है, रीजनल लेवल पे डाइवर्सिटी होता है। इसको हम बांट सकते हैं लोकल लेवल मतलब स्पेसीज के बीच में जो डाइवर्सिटी, मतलब एक कम्युनिटी के अंदर होता है, कह सकते हैं विद इन कम्युनिटी, कम्युनिटी के अंदर होता है। इसको एक और नाम देते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं अल्फा डाइवर्सिटी। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? अल्फा डाइवर्सिटी, कम्युनिटी के अंदर डाइवर्सिटी है ना। उसी तरह से नेक्स्ट अगर हम लोग देखते हैं, दैट इज व्हाट कम्युनिटी के बाद फिर इंटर कम्युनिटी, मतलब दो कम्युनिटी के बीच में, बिटवीन बिटवीन टू कम्युनिटीज। तो टू कम्युनिटीज के बीच में है तो इसको हम लोग क्या नाम देते हैं? इसको हम लोग बीटा डाइवर्सिटी बोलते हैं। क्या बोलेंगे? बीटा डाइवर्सिटी। उसी तरह से एक क्या हो जाएगा? रीजनल लेवल पे, मतलब डिफरेंट रीजंस में डाइवर्सिटी होता है। क्या होता है? रीजनल लेवल। इसको हम लोग बोलते हैं गामा डाइवर्सिटी। ओके, तो एक इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, इकोसिस्टम के लेवल पे डाइवर्सिटी होता है। नेक्स्ट हम लोग देखें, दैट इज स्पेसीज डाइवर्सिटी। क्या हो जाएगा? स्पेसीज डाइवर्सिटी। स्पेसीज डाइवर्सिटी कहने का मतलब कि अलग अलग लोकेशन में अलग अलग टाइप के स्पेसीज का पाया जाना। जैसे मान लो वेस्टर्न घाट है, ईस्टर्न घाट है, आपका अमेजन फॉरेस्ट का जो स्पेसीज है, आपका जो कोलंबिया का स्पेसीज है, ग्रीनलैंड का स्पेसीज है, अलग अलग लोकेशन के जो स्पेसीज होते हैं ना, उनकी डाइवर्सिटी अलग अलग होती है ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट लोकेशन, डिफरेंट वैरायटी, है ना। जैसे एग्जांपल में मैंने क्या बताया, जैसे अमेजन फॉरेस्ट को बोल रही है ना, अमेजन फॉरेस्ट हो गया, आपका हो गया कोलंबिया या कैलिफोर्निया कर देते हैं, कैलिफोर्निया हो गया आपका, और क्या है तो ग्रीनलैंड हो गया। सब जगह डिफरेंट वैरायटी के स्पेसीज पाए जाते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं स्पेसीज डाइवर्सिटी। ओके, तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि बायोडाइवर्सिटी के डिफरेंट वैरायटीज क्या क्या है। दैट इज जेनेटिकल, मतलब जेनेटिक्स के हिसाब से वैरायटी चेंज करता है। इकोलॉजिकल, रीजनल लेवल पे अगर है तो गामा डाइवर्सिटी, अगर मान लीजिए लोकल लेवल पे है तो अल्फा डाइवर्सिटी, दो कम्युनिटीज के बीच में है तो बीटा डाइवर्सिटी, है ना। उसी तरह से हमने स्पेसीज डाइवर्सिटी को देखा कि अलग अलग लोकेशन में डाइवर्सिटी चेंज करता है, दैट इज स्पेसीज डाइवर्सिटी। ओके, अब हम लोग देखने जा रहे हैं कि ये जो स्पेसीज का जो डाइवर्सिटी है वो, उसका एक प्रॉपर आइडिया देख लेते हैं हम लोग एक ग्राफिकल मेथड के द्वारा, कि हाउ डज एट डिफरेंट लोकेशन या फिर किसी पर्टिकुलर एरिया में जो स्पेसीज का रिचनेस है वो, उसका लेवल क्या है ना, ये हम लोग देख रहे हैं। ओके, अब देखिए, तो अगर हम लोग इसको एक ग्राफ के अंदर दिखलाएं, चूंकि ये काफी इंपॉर्टेंट ग्राफ बनता है जो आपको ये बतलाता है कि चाहे वो इन्वर्टिब्रेट्स हो या फिर एनिमल्स हो या फिर प्लांट्स हो, उसका क्या लेवल है ना। तो हम लोग इन्वर्टिब्रेट्स को देख लेते हैं, कुछ एनिमल्स को देख लेते हैं और कुछ प्लांट्स को देख लेते हैं, उसी के डाइवर्सिटी को हम लोग यहाँ पर देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं किसके बारे में? इनवर्टिब्रेट्स के बारे में। देखो, इनवर्टिब्रेट्स में मैंने आपको बताया था कि सबसे ज्यादा जो डाइवर्सिटी है वो किस, सबसे ज्यादा जो रिचनेस है वो किसका? इंसेक्ट का। ये मैं सेंटर बना देता हूं इस पूरे सिस्टम का। तो सबसे ज्यादा रिचनेस किसका है? इंसेक्ट का, है ना। तो देखिए, इसको मैं देखिए, इतना हिस्सा जो आप देख रहे हो ना, ये पूरा का पूरा हिस्सा क्या है? इंसेक्ट।
मतलब कि इस पूरे ग्लोबल एरिया को अगर हम लोग देखें, इस पूरे एरिया को देखें, तो उसमें इतना हिस्सा जो है, मतलब लगभग 70%, आपको पता है मैंने बताया है इसके पीछे, तो 70% हिस्सा जो है वो क्या है, इंसेक्ट का है। ओके, इसके बाद अगर हम लोग देखते हैं तो फिर नंबर आता है, देखो सेकेंड लेवल पे आता है कौन, दैट इज मोलस्का, सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम है ये, है ना। तो इसके बाद नंबर आता है किसका भाई, तो ये हो गया आपको मोलस्का। देखो ये सबसे लार्जेस्ट है, ये सेकेंड लार्जेस्ट है मोलस्का। ठीक, मोलस्का के बाद फिर इसी में कौन आता है, तो क्रस्टेशियंस आते हैं। ये हो गया आपका क्या, क्रस्टेशियंस। क्रस्टेशियंस स्पेशली जो कि एक्वेटिक रीजन में रहने वाले एनिमल्स होते हैं, है ना, वो आपको बेसिकली कुछ इंसेक्ट से भी बिलोंग करते हैं, कुछ मोलस्का, मतलब दोनों मिला जुला करके होता ही है ना, तो क्रस्टेशियंस आ जाते हैं। ओके, और बाकी ये हिस्सा अदर्स के लिए है, मतलब इसमें आपको कौन आ जाएंगे, मैमल्स आ जाएंगे, बर्ड्स आ जाएंगे, एम्फीबियंस आ जाएंगे, बाकी सब यहाँ। ओके, तो ये हुआ किसके बारे में, सॉरी हम लोग बात कर रहे हैं इनवर्टिब्रेट का, तो ये सब मैमल वगैरह ये नहीं आएगा, बाकी अदर जो आएंगे, जो दूसरे टाइप के एनिमल्स होंगे वो आ जाएंगे। ओके, अब हम लोग बात कर रहे हैं किसके बारे में, तो वर्टिब्रेट्स के बारे में। हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, वर्टिब्रेट्स के बारे में। तो वर्टिब्रेट्स में अगर आप देखिएगा तो लगभग 50% हिस्सा जो है ना वो आता है फिशेस का। किसका जाता है, फिशेस का। ओके, उसके बाद अगर हम लोग देखें तो मैं थोड़ा सा इसको बांट सकता हूं इस तरह से। ओके, इसको ऐसे भी बांट दे, ठीक ना। तो ये हिस्सा जो आप देख रहे हो किसके अंदर गया, तो मैमल्स के लिए हो गया, मैमल्स के लिए। ठीक, ओके, ये वाला हिस्सा आपका हो गया रेप्टाइल्स के लिए, ठीक ना, ये वाला हिस्सा किसके लिए हो गया, रेप्टाइल्स के लिए। ये वाला हिस्सा किसके लिए हो गया, तो एम्फीबियंस के लिए। और ये वाला हिस्सा किसके लिए हो गया, एप्स के लिए। ओके, तो ये है आपका क्या, वर्टिब्रेट्स का क्लासिफिकेशन। अब हम लोग देखते हैं किसका, प्लांट का। अब देखिए प्लांट्स में सबसे ज्यादा किसके बारे में बताया गया है, तो प्लांट में सबसे ज्यादा फंगाई और एंजियोस्पर्म, ये दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। अगर हम लोग इसको थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं इस तरह से, और ये देखिए इधर हम लोग रखेंगे किसको, फंगाई को, और इधर रखेंगे किसको, एंजियोस्पर्म। ओके, फंगाई और एंजियोस्पर्म। बाकी क्या बचा, तो बाकी फिर आपका लाइकेन बच गया, फंस बच गया, मॉसेस बच गया। तो इसको हम थोड़ा सा इस तरह से डिवाइड कर सकते हैं, है ना, ऐसे डिवाइड कर सकते हैं। ओके, तो ये थोड़ा सा और ऐसे हो जाएगा, ये हो गया लाइकेन के लिए, ये हिस्सा लाइकेन के चला के अंदर चला गया। ये हो गया एंजियोस्पर्म, ये हो गया आपका क्या, एंजियोस्पर्म, ठीक ना। और इसके बाद फाइनली मॉसेज और फर्न्स बच गए, तो ये हो गया मॉस, मतलब ब्रायोफाइट्स, और ये हो गया टेरिडोफाइट्स, फर्न्स। ठीक, तो अगर हम लोग इसको प्रॉपर वे में देखते हैं तो देखिए सबसे ज्यादा इंसेक्ट, इंसेक्ट के बाद क्या, मोलस्का, मोलस्का के बाद क्रस्टेशियन, और बाकी सब अदर जितने भी हैं वो सब आ जाएंगे इसमें। अगर हम लोग वर्टिब्रेट्स में देखते हैं तो सबसे ज्यादा कौन आ जाएगा, फिशेस। उसके बाद अगर आप देखिएगा तो फिशेस के बाद रेप्टाइल्स और एप्स लगभग सेम है, हालांकि रेप्टाइल्स कुछ ज्यादा है एज कम्पेयर टू एप्स, तो रेप्टाइल्स पहले हो जाएगा, उसके बाद एप्स हो जाएगा, बाकी मैमल और एम्फीबियन ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, लगभग सेम। ओके, अगर हम लोग इसमें देखते हैं तो सबसे ज्यादा कौन हो जाएगा, फंगाई। उसके बाद अगर आप देखिएगा तो फंगाई के बाद फिर आ जाएगा, ऐसे फंगाई के बाद यहाँ पे, सॉरी ये जिम्नोस्पर्म होगा, ये गलत है, ये हो जाएगा जिम्नोस्पर्म,
ठीक ना। हाँ तो सबसे पहले आ जाएगा फंगाई, उसके बाद आ जाएगा एंजियोस्पर्म। एक्चुअली में फंगाई और एंजियोस्पर्म ऑलमोस्ट सेम ही होता है, लेकिन फंगाई ज्यादा है। ओके फिर मतलब ये फर्स्ट नंबर पे, ये दूसरे नंबर पे। उसके बाद कौन आ जाएगा? जिम्नोस्पर्म आ जाएगा। जिम्नोस्पर्म के बाद देखिएगा तो मोसेज और फॉर्म में, ऑलमोस्ट फॉर्म पहले आएगा, मोसेज बाद में आएगा, ठीक ना। पहले फॉर्म आएगा तब फिर मोसेज आएगा। ओके तो कुछ यही होता है। तो ये आपका है क्या, एक डेटा जो रिप्रेजेंट कर रहा है कि सबसे ज्यादा और सबसे कम टाइप के जो स्पेसीज हैं वो वर्ल्ड में, ग्लोबल रीजन में कैसे कैसे पाए जाते हैं। ओके चलिए अब इसके बाद हम लोग देखते हैं पैटर्न ऑफ बायोडायवर्सिटी, यही हमारा टॉपिक होगा। तो हम लोग देखने जा रहे हैं पैटर्न। अब देखो पैटर्न ऑफ बायोडायवर्सिटी को अगर हम लोग देखें तो ऑन द बेसिस ऑफ लैटिट्यूडनल और एल्टीट्यूडनल पैटर्न लिखा जाता है। जैसे मान लो ये अर्थ है हमारा, ठीक ना, और ये इक्वेटोरियल रीजन है, ये इक्वेटर है आपका, ठीक, ये आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गया, ठीक। तो जनरली ऐसा देखा जाता है कि जब आप पोलर रीजन से इक्वेटर रीजन की तरफ बढ़ोगे, पोलर रीजन से आप किधर बढ़ोगे, इक्वेटर रीजन की तरफ बढ़ोगे, तो स्पेसीज रिचनेस जो होगा ना वो हाई होगा, बढ़ेगा, स्पेसीज रिचनेस बढ़ेगा, है ना। एग्जांपल के थ्रू समझते हैं हम लोग। जैसे पोलर रीजन को अगर हम लोग देखते हैं तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ग्रीनलैंड का। मान लो ग्रीनलैंड की बात कर रहे हैं, कितना पे है, तो ग्रीनलैंड लगभग है 71 पे। कितना पे है? 71 डिग्री पे है, ठीक ना। अगर आप ग्रीनलैंड को देखोगे तो अगर वहां पे बर्ड की वैरायटी देखते हैं, मतलब बर्ड का रिचनेस देख रहे हैं, तो वर्ल्ड का मैं लिख रहा हूं किसका रिचनेस, बर्ड्स का। तो वर्ल्ड के रिचनेस को अगर हम लोग देखते हैं तो यहां पे आपको मिलेगा मतलब लगभग 56 वैरायटी के बर्ड मिलेंगे ग्रीनलैंड में, जबकि उसका उस कितने पे है, 71 पे है, ठीक। अगर हम लोग उससे थोड़ा नीचे आते हैं, मतलब हम आ जाते हैं न्यूयॉर्क में, कहाँ आ जाते हैं, न्यूयॉर्क में आ जाते हैं, है ना। कितना पे है, तो लगभग है 41 पे, 41 पे। तो रिचनेस जो होगा थोड़ा बढ़ जाएगा, दैट इज 105। कितना हो गया, लगभग 100, देख रहे हो जैसे जैसे हम नीचे आ रहे हैं बढ़ रहा है। अगर हम लोग बात कर रहे हैं कोलंबिया का, इक्वेटोरियल रीजन पे, कोलंबिया जो कहां पे है, तो इक्वेटर पे है ना। अगर हम लोग कोलंबिया को देखते हैं, तो यहां पे कितना है, लगभग 1400। अब आप समझिए, देखिए क्या हुआ है, जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो स्पेसीज रिचनेस मेरा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है, स्पेसीज रिचनेस बढ़ रहा है। अगर हम लोग इंडिया की बात करते हैं, मान लो मैं इंडिया की बात कर रहा हूं जो इस रीजन में है, तो अगर हम लोग इंडिया की बात करते हैं तो लगभग कितना है, 1200, ठीक। ओके तो इससे क्या पता चलता है कि स्पेसीज रिचनेस बढ़ता है जैसे जैसे हम मूव करते हैं, है ना। और भी कुछ एग्जांपल देते हैं, जैसे मान लीजिए ट्रॉपिकल अमेजन फॉरेस्ट है ना साउथ अमेरिका का, क्या है, ट्रॉपिकल अमेजन फॉरेस्ट है ना, रेन फॉरेस्ट है ये, कहाँ है, साउथ अमेरिका। तो ये ट्रॉपिकल रीजन जो है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो है साउथ अमेरिका का अमेजन फॉरेस्ट, आप देखिएगा यहाँ पे डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म जो है वो बहुत ज्यादा है ना।
अगर आप देखोगे, थोड़ा मैं डेटा दे देता हूँ, जैसे मान लीजिए प्लांट है तो लगभग 40,000 स्पेसीज हैं प्लांट के, ठीक ना। अगर हम लोग मैमल को देखेंगे, अगर हम लोग मैमल और इवन रेप्टाइल्स दोनों लगभग सेम ही है इसमें, मैमल और रेप्टाइल्स जो है वो लगभग 427 के करीब है। ओके, तो मैमल और रेप्टाइल्स नहीं, मैमल और एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स नहीं, मैमल और एम्फीबियंस जो है वो लगभग 427 के करीब है ना। बर्ड्स को अगर हम लोग देखते हैं तो ये लगभग है 1300। तो इससे क्या पता चल रहा है कि जो ट्रॉपिकल जोन है ना, वहां भी स्पेसीज डाइवर्सिटी बहुत हाई होती है ना। ऐसा क्यों है? देखो, ट्रॉपिकल जोन में स्पेसीज डाइवर्सिटी हाई होने का वजह क्या होता है कि वहां पे कांस्टेंट और प्रेडिक्टेबल इन्वायरमेंट होता है। कांस्टेंट और प्रेडिक्टेबल इन्वायरमेंट होने की वजह से क्या होता है, वहां का जो लाइफ स्टाइल है ना वो कुछ अलग टाइप का हो जाता है। लाइफ स्टाइल अलग होने से सर्वाइवल का चांस बढ़ जाता है, मतलब वहां पे आसानी से सर्वाइव करते हैं स्पेसीज एज कंपेयर टू अदर जोन्स। ओके, तो ये चीज है, तो इसको हम लोग बोलते हैं पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अब फाइनली हम लोग देखेंगे क्या स्पेसीज एरिया रिलेशनशिप काफी इंपॉर्टेंट है, चूंकि इसका एक ग्राफ है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट बनता है। ओके, तो हम लोग अब देखते हैं क्या स्पेसीज एरिया रिलेशनशिप। तो चलिए, हम लोग का अगला टॉपिक है स्पेसीज एरिया रिलेशनशिप। ठीक, देखिए स्पेसीज एरिया रिलेशनशिप को सबसे पहले रिप्रेजेंट करने वाले साइंटिस्ट थे अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, है ना। एक है ना अलेक्जेंडर, ये सही नहीं होगा, अलेक्जेंडर वैन हम्बोल्ट, ठीक ना। इन्होंने ही सबसे पहले इसके बारे में बताया था। एक्चुअली में इन्होंने एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू इस बात को बताया था कि स्पेसीज रिचनेस जो होता है वो बढ़ता है बाय इंक्रीजिंग एक्सप्लोर एरिया। एक्सप्लोर एरिया में बढ़ता है लेकिन एक सर्टेन लिमिट तक, है ना। क्या बताया गया कि स्पेसीज रिचनेस इंक्रीज्ड विद इंक्रीजिंग एक्सप्लोर्ड एरिया। स्पेसीज रिचनेस इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग एक्सप्लोर्ड एरिया अप टू सर्टेन लिमिट। यही है, यही इसका कॉन्सेप्ट था कि स्पेसीज रिचनेस जो होता है ना वो बढ़ता है जब एरिया एक्सपोज ज्यादा हो, लेकिन उसका भी एक लिमिट है। ऐसा नहीं है कि बढ़ता रहेगा, कंटिन्यूअसली बढ़ता रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, अगर हम लोग इसको ग्राफिकल देखते हैं तो इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो होता है वो ट्रायंगुलर पैराबोला आता है। मतलब अगर आप इस स्पेसीज रिचनेस का ग्राफ को देखोगे, यहां पे हम दे देते हैं क्या स्पेसीज रिचनेस और यहां हम दे देते हैं एरिया। ओके, तो आप देखिएगा इसका जो ग्राफ है, दो अलग अलग ग्राफ से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। एक ग्राफ जिसको लॉगरिथम के रिलेटेड है, दैट इज इसको जनरली हम लोग बोलते हैं लॉग लॉग स्केल, ठीक ना। इसके बारे में क्या बोला गया है कि लॉग एस इज इक्वल टू लॉग सी प्लस जेड लॉग ए। log s is equal to log c plus z log a,
जहां देखो ये एस क्या है, अ स्पेसीज रिचनेस है। एस क्या है, अ स्पेसीज रिचनेस है, ठीक ना। वहीं पे आप सी देखिएगा ना, तो ये क्या है, वाई इंटरसेप्ट है, वाई इंटरसेप्ट है ना, क्योंकि एक्स और वाई दो अलग अलग बेटा जो जोन है ना, उसी के लिए वाई इंटरसेप्ट यूज किया जा रहा है यहाँ पे, ओके। अगर आप जेड देखोगे, ये देखो जेड है ना, तो जेड क्या है, तो ये स्लोप ऑफ लाइन है, इसको रिग्रेशन कोफिशिएंट भी बोलते हैं। ये स्लोप ऑफ क्या है, लाइन, या इसी को बोलते हैं रिग्रेशन कोफिशिएंट, ठीक ना। और ए क्या हो गया, दिस ए इज एरिया, ओके। तो एस हो गया स्पेसीज रिचनेस, सी हो गया वाई इंटरसेप्ट, जेड हो गया स्लोप ऑफ लाइन रिग्रेशन कोफिशिएंट, और ए हो गया एरिया। इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। एक और देखिएगा आप ग्राफ, यही है आपका ट्रायंगुलर पैराबोला है ना, जहां स्पेसीज रिचनेस इज इक्वल टू क्या हो जाता है, सी ए पर पावर जेड, जहां सी वही है वाई इंटरसेप्ट, ए आपको पता है और जेड आपको पता है, ठीक। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट ग्राफ माना जाता है, ओके। अब देखिए ये ट्रायंगुलर पैराबोला जो ग्राफ है, इसमें जेड का वैल्यू डिपेंड करता है अलग अलग फैक्टर पे। जेड वैल्यू जो होता है ना, वो अलग अलग केस के लिए अलग अलग होता है। जैसे अगर बाउंडेड एरिया मतलब लिमिटेड एरिया है ना, लिमिटेड एरिया है, तो इसका वैल्यू हो जाएगा, लिमिटेड एरिया कहने का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो हम कौन से एरिया की बात कर रहे हैं, जैसे मान लो ब्रिटेन का प्लांट बात कर रहे हैं, कैलिफोर्निया के बर्ड्स की बात कर रहे हैं, एक लिमिटेड एरिया है ना। तो लेस एरिया आप कर सकते हो, तो इसका वैल्यू जो होगा वो 0.1 से 0.2 तक जाएगा। ये वैल्यू किसके लिए है, फॉर लिमिटेड एरिया के लिए। ये किसके लिए हो जाएगा, लिमिटेड एरिया के लिए। लेकिन जेड का वैल्यू अगर हम लोग लार्जर एरिया के लिए देखते हैं, मतलब बड़ा एरिया, जैसे मान लो रेन फॉरेस्ट हो गया है ना, तो बड़ा एरिया के लिए, तो ये वैल्यू जो होगा वो 0.6 से 1.2 तक जाएगा, है ना। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, ओके। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि स्पेसीज और एरिया का क्या रिलेशनशिप होता है, मतलब लिमिटेड एरिया में स्पेसीज रिचनेस कम होता है, वाइडर एरिया एक्सपोज्ड एरिया में स्पेसीज रिचनेस ज्यादा होता है, लेकिन उसका भी एक लिमिट होता है ना, उसका भी एक लिमिट होता है, ओके। तो इसी चीज को बताया गया है, ओके। तो इस तरह से आपने ये सारा टॉपिक समझ लिया होगा। अब इसके बाद का जो नेक्स्ट टॉपिक होगा, हम लोग कंजर्वेशन से रिलेटेड बात कर लेंगे, ओके। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का इस चैनल पे कंटिन्यूअसली बने रहने के लिए।